अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ। और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। ये तनवीर शाह ने SPD 480 के हवाले से, मतलब उसी से लगते हैं ये। तो ये कैंडिडेट, इन्होंने सवाल पूछा था कि जमाल भी मेरा सिंगल एड्रेस था 2017 में, CNIC बना है, डोमिसाइल 2018 में बनाया और फॉर्म डी बनाया 2022 में। मेरा एड्रेस सिंगल ही था शुरू से ही, जब से बनवा है बस वालिद साहब का डबल एड्रेस है, कोई इशू तो नहीं होगा, इस पर वीडियो बना दें। तो ये काफ़ी लोगों ने इस तरह का, ये मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन था ये सब लोगों की तरफ से। तो सुन लो, आपका एड्रेस सिंगल है, आपके वालिद साहब का, आपके किसी भाई का एड्रेस डबल है, इससे कोई कंसर्न नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट को। आपका सिंगल है बस, कोई टेंशन ही नहीं है, चिल करो। आपका एड्रेस सिंगल है, कोई टेंशन नहीं है बड़ी। और जिसका डबल एड्रेस है, जिसका एड्रेस डबल है, जिन कैंडिडेट्स का एड्रेस डबल है, उनका डोमिसाइल फॉर्म डी बना हुआ है कराची का, तो वो भी चिल करो, कोई टेंशन नहीं है। ये इतना ज़्यादा पूछा जाने, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि सर हमारा एड्रेस डबल है, हमारा क्या होगा। देखो भाइयों, जब मैं ए से ये अपॉइंट हुआ हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एड्रेस डबल था, एक यहाँ का था, एक पंजाब का था, ठीक है। तो अपॉइंट होने के बाद, अपॉइंट होने के 1.5-2 साल बाद मैंने एड्रेस अपना सिंगल करवा लिया, ठीक है भाई। जो बंदे भी अपॉइंट हो रहे हो, मैं आपको सजेशन देता हूँ, कराची के अंदर किसी भी जगह में सस्ते से सस्ता घर खरीदो, डेढ़िया खरीदो, एक कमरा खरीदो, उसको अपने नाम करवाओ। नाम करवाने के बाद उस पर गैस मीटर लगवाओ, फिर अपना नाम सिंगल एड्रेस करवा लो, कोई टेंशन ही नहीं बड़ी। और ये मैं बता रहा हूँ कि 1.5 साल बाद मैंने अपना एड्रेस सिंगल करवाया है। तो आप भी यही जो है ना स्ट्रेटजी अपनाना, तो इंशाल्लाह आपका भी सिंगल एड्रेस हो जाएगा। बाकी जो है ना, कोई मज़ीद परेशानी होगी तो मुझसे रब्ता कर लेना भाइयों, तो हम उस पर भी आपको सजेशन, नेक सलाह देंगे। मतलब सुन्नत भी है मशवरा करना। और कहते हैं ना कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे 5 हक है, एक सलाम करे तो जवाब दे, मर जाए तो जनाजा पढ़ना है, जब कोई सलाम आ गया तो नेक मशवरा देना है, ठीक है ना। बाकी जब छींक आए तो उसका जवाब देना है आपको। 5वां भी याद नहीं आ रहा। जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इजाज़त करने जाना है आपने उसके घर पे। तो भाइयों खुश रहो, आबाद रहो। बाकी कोई मज़ीद सवालात हुए तो मैं हाज़िर। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।